उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले से डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। पीलीभीत जिले में एक निजी अस्पताल में महिला के यूट्रस के ऑपरेशन के दौरान महिला डॉक्टर ने बड़ी लापरवाही करते हुए महिला के यूट्रस के अंदर स्पंज जैसा तौलिया छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, 3 से 4 महीने तक महिला को दर्द उठता रहा, लेकिन अपनी गलती को छिपाने के लिए अस्पताल के डॉक्टर्स महिला को दर्द की दवाइयां देकर उसका इलाज करने का नाटक करते रहे। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिश्राइन गोटिया गांव की रहने वाली खिलावती को यूट्रस में दिक्कत होने के चलते जुलाई महीने में देवीपुरा गांव में स्थित JMB मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां महिला चिकित्सक आशा गंगवार ने अपनी टीम के साथ महिला के यूट्रस का ऑपरेशन किया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला चिकित्सक ने लापरवाही करते हुए स्पंज जैसा तौलिया महिला के पेट के अंदर ही छोड़ दिया। कुछ दिन भर्ती रखने के बाद महिला का डिस्चार्ज बना दिया गया, जिसमें किसी प्रकार की शिकायत या परेशानी होने का जिक्र नहीं किया गया। महिला ने कुछ दिन तक दवाई खाई, लेकिन बाद में उसके पेट में अचानक दर्द उठने लगा। इसके बाद परिजन उसे दोबारा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने पेट में जख्म और सूजन होने की बात कहकर 3 से 4 महीने तक महिला का इलाज किया और उसे दवाई देते रहे, लेकिन महिला को कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद अस्पताल वालों को पता चल गया कि उनकी गलती की वजह से ही महिला के पेट में दर्द उठ रहा है, लेकिन उसे छिपाते हुए उन्होंने महिला का गलत इलाज जारी रखा। इस दौरान महिला के पति के पास इलाज के पैसे नहीं रहे, तो पति महिला को उपचार के लिए पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला की जांच कराई। सीटी स्कैन रिपोर्ट में महिला के पेट में पस और स्पंज होने की पुष्टि हुई। इस दौरान महिला का मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन किया गया और इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद महिला के पति उमाशंकर ने पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले निजी अस्पताल के डॉक्टर और पूरे मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए DMSP को शिकायत पत्र दिया है। CMO आलोक कुमार से जब पूरे मामले पर जानकारी ली गई, तो CMO ने बताया कि मामला बेहद ही गंभीर है, लेकिन उन्हें मामले की कोई जानकारी ही नहीं। अगर कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती तो वो निश्चित जाँच कराकर कार्रवाई जरूर करेंगे। आखिर डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, पहला सवाल यही है। और सोचिए, अगर इस अस्पताल में डॉक्टर का ये हाल है तो अस्पताल के बाकी स्टाफ मरीजों के साथ क्या कर रहे होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऐसे अस्पतालों पर आखिर सरकार की नजर कैसे नहीं है, और आखिर किसी अधिकारी को इस मामले की जानकारी कैसे नहीं है। प्रदेश की सरकार का ही कर्तव्य है कि वो सिर्फ सरकारी ही नहीं, प्रदेश के निजी अस्पतालों का भी पूरा ब्यौरा रखें, मरीजों के लिए ऐसे अस्पतालों का सर्वेक्षण करें। लेकिन प्राइवेट तो आप छोड़ ही दीजिए, सरकारी अस्पताल भी इस तरह की लापरवाही और कमियों की मार झेल रहे हैं। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।